इंडियन आर्मी का एक टैंक भी रखा हुआ है। कितने पीछे से मैं आया हूँ, मैं तो एकदम मस्त वाली लस्सी पी रहा हूँ। क्या व्यू है, बहुत बड़ी विजय थी महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त गौरव और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ मोती मगरी, जहाँ पे है एक म्यूज़ियम और महाराणा प्रताप की स्टैचू बनी हुई है चेतक पे बैठे हुए की। तो पहले हम चलते हैं स्टैचू की तरफ, लेकिन ये जो स्टैचू आप देख रहे हो ये वो स्टैचू नहीं है, ये भी काफ़ी सुंदर स्टैचू बनी है महाराणा प्रताप की। अभी हम और ऊपर जाते हैं जहाँ पे महाराणा प्रताप की स्टैचू लगी है मोती मगरी। चलिए आपको दिखाते हैं आगे, रास्ते से ऊपर चलना है और ऊपर महाराणा प्रताप चेतक पे सवार। देखिए खाई है नीचे, तो संभल के चलने की जरूरत भी है। वैसे सड़क काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेतक वाटिका है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत भव्य विशाल पेड़ देखिए। पहले हम लोग जाते हैं महाराणा प्रताप की स्टैचू देखते हैं ऊपर मोती मगरी में, और फिर मैं आपको ये वापसी में अगर हुआ तो दिखाने की कोशिश करूँगा। कितने पीछे से मैं आया हूँ और अभी ये जो हिस्सा है और ऊपर जाना है मुझे। आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के लिए शॉप भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आराम से मस्त, मैं तो एकदम मस्त वाली लस्सी पी रहा हूँ और आप लोग भी यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। फूड का डिलीशियस फूड है यहाँ पे, लस्सी बहुत ही बेहतरीन थी, मज़ा आ गया एकदम पी के। और जो कलेजम ठंडक मिलती है लस्सी पी के वो तो अलग है ही एकदम। और यहाँ पे काफ़ी मार्केट भी है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये चंदन रेस्टोरेंट, यहीं पर हमने लस्सी पी, बेहतरीन लस्सी थी एकदम पंजाबी फ्लेवर, उदयपुर में मज़ा आ गया। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं और यहाँ पे ऊपर जाना है, तो चलते हैं आगे। दोस्तों अभी देखिए सामने महाराणा प्रताप की स्टैचू चेतक पे सवार। मौसम गर्म हो गया है लेकिन मतलब एक ठंडक सी फील हो रही है आँखों को, दिल में, दिमाग में। बचपन से महाराणा प्रताप मेरे तो हीरो रहे हैं। ये वो मेवाड़ी राणा है जो कभी किसी के आगे झुके नहीं, कभी रुके नहीं और हमेशा मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने की हमेशा तैयार रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीछे महाराणा प्रताप की स्टैचू मोती मगरी वाली, महाराणा प्रताप चेतक पर सवार, मेवाड़ का सूर्य, राजपूतों का सूर्य, हिंदुस्तान का सूर्य, जिन्होंने हमेशा अपने जीवन को देश के लिए निछावर किया, पब्लिक के लिए निछावर किया, वैसे हीरो है ये, जिन्हें पूजा जाना चाहिए किताबों में, जिनके बारे में ज़्यादा लिखा जाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि कम है, मुझे तो यही लगता है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। क्या शानदार स्टैचू है महाराणा प्रताप की। यहाँ पे चेतक की जब मृत्यु हुई थी उसका भी वर्णन दे के रखा है। देखिए यहाँ फाउंटेन्स भी चल रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पीछे महाराणा प्रताप का बर्थ, वो कब राजा बने, उनकी कब हल्दी घाटी हुई और कब उनकी मृत्यु हुई, ईयर के साथ डेट के साथ दिया हुआ है। और फाउंटेन चारों तरफ है, तो बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए ये हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य है एकदम ज़बरदस्त। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या व्यू है यहाँ से मोती मगरी से, ज़बरदस्त। देखिए क्या व्यू है एकदम बेहतरीन। यहाँ पे सिटी का भी व्यू दिख रहा है, पीछे फतेह सागर लेक है। मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। अब वापस नीचे ट्रैकिंग करते हैं अपन। नीचे
नीचेगा रास्ता, पर जो व्यू मुझे मिल रहा है बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। देखिए इस शानदार नज़ारे को, साथ में नीचे उतर रहा हूँ। चेतक वाटिका यहाँ, अब ऊपर तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें सज्जनगढ़ भी जाना है और 5:15 हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये देखिए, ये है मोती महल के लिए रास्ता ऊपर, और यहाँ भी सारा रास्ता बंद है अभी, तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी कवर अप करेंगे इसको भी। यहाँ पे जिप लाइनिंग भी होती है। देखिए अभी एक लड़का गया है। देखिए यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक टैंक भी रखा हुआ है। जय हिंद की सेना, क्या शानदार टैंक है। भामाशाह की स्टैचू मेरे पीछे। दोस्तों तो जो भामाशाह थे वो महाराणा प्रताप के बचपन के दोस्त तो थे ही, साथ ही साथ जब युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप का, तब इन्होंने जो खजाना था मेवाड़ का वो छुपा दिया था और बाद में जरूरत पड़ने में महाराणा प्रताप को वापस लौटाया था। दोस्तों यहाँ पे है आइल ऑफ मेवाड़। फ्रेंड्स अब हम आपको मोती मगरी के जो म्यूजियम है वो दिखाते हैं। यहाँ का बाहर का डेकोरेशन वगैरह देख लीजिए आप, और ये जो काउंटर है यहाँ पे आपको बुक्स और सोवेनियर्स वगैरह मिल जाएंगे खरीदने के लिए। इसका टिकट है 120 रुपये पर पर्सन, और अगर आप 3-व्हीलर को पार्किंग तक लेके आओगे तो उसका 30 रुपीज़ चार्जेस है। आइए हम चलते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ अंदर आते ही पहली जो पेंटिंग हमने देखी ये है बप्पा रावल जी की, जिन्होंने महाराणा प्रताप का जो वंश है, जो ये लाइनेज है, उसकी संस्थापना की थी, और इन्होंने ही जो मेवाड़ का जो राज्य है वो स्थापित किया था। फ्रेंड्स इस पेंटिंग में है गोरा बादल, जो कि बहुत ही मशहूर योद्धा थे रावल रतन सिंह जी के दरबार के, और इन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए थे रावल रतन सिंह जी को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़ाने के लिए, जब उसने रानी पद्मिनी को हासिल करने की कोशिश की थी तब। फ्रेंड्स और इस पेंटिंग में आप देख सकते हो रानी पद्मिनी जो है वो जौहर करने जा रही है, जब रावल रतन सिंह जी और बाकी के राजपूत युद्ध में मारे गए थे, शहीद हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, और काफ़ी औरतों ने भी उस दिन जौहर किया था इनके साथ। फ्रेंड्स ये पेंटिंग है महाराणा कुंभा की, जिन्होंने कई युद्ध जीते, कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण किया, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया, और कई म्यूजिक बुक्स वगैरह भी लिखे हैं इन्होंने। और यहाँ पे मीराबाई जी की पेंटिंग है जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रही है। ये पेंटिंग है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें महाराणा सांगा भी कहा जाता है, और इन्होंने 80 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और 80 से ज़्यादा घाव भी अपने शरीर पर खाए थे, हर एक लड़ाई के लिए एक घाव। इस पेंटिंग में आप देखोगे कि बनबीर जो है राणा सांगा के बेटे उदय सिंह जी को मारने के लिए आया जब वो बच्चे थे, लेकिन पन्ना ढाई ने जो है अपने बेटे को उदय सिंह जी के जगह पर रख दिया, और उदय सिंह जी को फलों की टोकरी में जो है बाहर जान बचा के उनकी ले गई और अपने बेटे की कुर्बानी दी। और ये पेंटिंग है राणा उदय सिंह जी की, जिन्होंने बनबीर के कैद से मेवाड़ को छुड़ाया था, और इन्हीं के बेटे थे महाराणा प्रताप। ये पेंटिंग है जयमल और पट्टा जी की, जो कि बहुत बड़े योद्धा थे। इस पेंटिंग में हम बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज राठौर जी को देख सकते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा था जब अकबर ने उनको कहा था कि महाप्रताप उनके सामने सरेंडर करने वाले हैं। और इस पेंटिंग में आप देखोगे महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज जी को पत्र में जवाब दिया कि आप निश्चिंत रहिए, मैं अकबर की दासीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अकबर के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगा, ना मेरा मेवाड़ अकबर के सामने झुकेगा। और महाराणा प्रताप ने आखिर तक अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं महाराणा भूपाल सिंह जी को, जो कि मेवाड़ के आखिरी राणा थे, और इन्होंने ही मेवाड़ को भारत में सम्मिलित किया था 1948 में। और ये पेंटिंग
हल्दी घाटी के युद्ध का वो मशहूर किस्सा दिखा रहा है जब राजा मानसिंह घाटी में बैठे हुए थे और महाराणा प्रताप घोड़े पे थे चेतक पे, और चेतक ने इतनी ऊंची छलांग लगाई और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से जो हाथी के महावत को भी मार दिया, लेकिन मानसिंह बस बाल बाल बचे। इस पेंटिंग में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध से पहले भीलों और राजपूतों के साथ मीटिंग करते हुए। दोस्तों, ये पेंटिंग है राणा फतेह सिंह जी की, जिन्होंने मेवाड़ को अंग्रेजों से आज़ाद रखा। 1903 और 1911 की जो दिल्ली दरबार बुलाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसमें ये इकलौते राजा थे भारत के जो शामिल नहीं हुए, और इन्होंने ही फतेह सागर लेक बनाई थी। और जब प्रिंस एडवर्ड उदयपुर आए तो इन्होंने उसे रिसीव करने से मना कर दिया था। ये पेंटिंग है भामा शाह जी की, जिन्होंने मेवाड़ के खजाने की रक्षा तो की ही थी और मालवा से लूटा हुआ जो धन था वो भी राणा प्रताप को दे दिया था, ताकि वो आगे अकबर के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखे। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि जब अमर सिंह जी ने रहीम दास जी, यानी कि रहीम खान जी जो कि एक मुगल सेनापति थे, उनकी पत्नियों का अरेस्ट किया था, तो महाराणा ने स्वयं जाग के उनको बाइज्जत छोड़ा था। और ये जो पेंटिंग है इसमें हल्दी घाटी युद्ध का एक और किस्सा दिखाया गया है, जब महाराणा प्रताप ने मुगलों के सेनापति बहलोल खान को सर से लेकर पांव तक घोड़े सहित कद्दू की तरीके चीर दिया था, उनके ढाल और कवच सहित। ये पेंटिंग है महाराणा राज सिंह जी की, जिन्होंने औरंगजेब के साथ कई बार युद्ध लड़े, चाहे वो जजिया कर के खिलाफ हो, चाहे वो मंदिर तोड़ने के खिलाफ हो। जब गोविंद देव जी की मूर्ति आई उदयपुर तो इन्होंने नाथद्वारा में उनको स्थापित किया, और राजकुमारी चारुमती को औरंगजेब से बचाया और उनसे विवाह किया। फिर इन्होंने अजीत सिंह जी को भी अपने यहाँ शरण दी और राजसमंद लेक भी बनवाया था इन्होंने। और ये है महाराणा प्रताप की शानदार पेंटिंग, ये आप देख सकते हो, ये कुंभलगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ किले का मॉडल है। बता दूं आपको कि कुंभलगढ़ जो है इंडिया की सबसे बड़ी दीवार है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ की दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर फैली हुई है। आप देख सकते हो इस मॉडल में कुंभलगढ़ की दीवारों को। इसे राणा कुंभा ने बनवाया था। और यहाँ पे कई सैकड़ों मंदिर है, 180 या 150 से ज्यादा मंदिर भी है इस किले के अंदर। ये देखिए कितनी शानदार महाराणा प्रताप की पेंटिंग है, जिसमें हाथ में दो तलवार और एक भाला है इनके। यहाँ पे साइन बोर्ड है मॉडल्स ऑफ हल्दी घाटी एंड चित्तौड़गढ़ आर्म्स गैलरी के लिए नीचे जाने का। तो आइए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको आगे। नीचे उतरते ही हमने देखा ये महाराणा प्रताप की स्टैचू, जो कि बहुत शानदार। मेरे पीछे महाराणा प्रताप की स्टैचू, और ये है उदयपुर का सिटी पैलेस का मॉडल। सिटी पैलेस का मॉडल है उदयपुर का सिटी पैलेस। देखिए कितना शानदार और कितना भव्य बना हुआ है उदयपुर का सिटी पैलेस। अमेजिंग फ्रेंड्स, ये है मेरे साथ, मेरे पीछे हल्दी घाटी का युद्ध का वार मेटल का मॉडल। दोस्तों ये है हल्दी घाटी का मॉडल, और अभी हम देख रहे हैं हल्दीघाटी युद्ध का सीनेरियो, और जहाँ पे चेतक ने उछाल मारी है, राजा मानसिंह हाथी पे बैठे हुए हैं और महाराणा प्रताप अपना भाला से उसे मार रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे और भी कई अलग अलग युद्ध की घटनाओं का मेंशन है। फिर यहाँ पे रक्त तलाई है, जहाँ पे युद्ध की वजह से जो मिट्टी थी वो लाल हो गई थी, और इसका वर्णन तो अब्राहम लिंकन के जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनकी किताब में भी है इस चीज़ का मेंशन।
कि उनकी माँ ने उनसे कहा था कि अगर तुम इंडिया से कुछ ला सको तो हल्दी घाटी की मिट्टी लेके आना। और ये देखिए, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप जो है नाला पार कर रहे हैं चेतक पे बैठ के। फिर उसके बाद में चेतक जो है वो जब मर जाता है इनको बचाते बचाते, तो महाराणा प्रताप किस तरीके से अपना कंट्रोल खो बैठते अपने ऊपर से, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और रोते हैं कि उनका वफादार घोड़ा, उनका वफादार दोस्त उन्हें छोड़ के चला गया है। यहाँ पे चेतक की समाधि जो बनी है उसका भी मेंशन है। और फिर जो जंगल वगैरह जो है हल्दी घाटी के, उसको भी दिखाया गया है, जो तालाब वगैरह, जो नदी वगैरह है, नहर वगैरह है, उन सब का मेंशन है यहाँ पे। अब देखिए कितना शानदार और कितना डिटेलिंग का वर्क दिया है यहाँ पे। और ये देखिए वापस हम लोग आ गए युद्ध के मैदान की तरफ, जहाँ पे अलग अलग घटनाएं जो हुई थी युद्ध की उनको दर्शाया गया है काफ़ी अच्छे से। तो अगर आप हल्दी घाटी नहीं जा पा रहे हो और अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो यहाँ पे आइएगा और इस चीज़ को समझिएगा, ये काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। मेरे पीछे चित्तौड़गढ़ काफी विशाल घर है इंडिया का, मेवाड़ का तो है काफी बड़ा घर, इंडिया का काफी बड़ा घर है। ये देखिए चित्तौड़गढ़ की मॉडल को, यहाँ पे विजय स्तंभ भी बना हुआ है, पीछे कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है, कई मंदिर है यहाँ पे। मॉडल्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चित्तौड़गढ़ का ड्रोन शॉट ले रहे हो, बिल्कुल तो बेहतरीन। देखिए पीछे का रास्ता, आपके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आप देखोगे पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जगह बताने लायक नहीं, देखने लायक है, बताने में तो कई वीडियोस बन जाएंगे लेकिन बताना खत्म नहीं होगा। वीर का युद्ध हमें किताबों में इतिहास के पढ़ाया नहीं जाता है, जो कि बहुत बड़ी विजय थी महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ, अकबर के खिलाफ। लेकिन ये जो इतिहास का पढ़ना है हमारे इतिहास की किताबों से हमेशा गायब ही रहा। आपको हथियार दिखाते हैं जो कि महाराणा प्रताप के काल के है, यह है भाला, ये तलवार है, ये ढाल है और ये तीर कमान यानी कि धनुष और बाण। अमर है सर का हेलमेट या मुकुट, और ये चेन से, लोहे के चेन से बना हुआ कवच जो कि युद्ध में सेना के जो भी सैनिक होते थे वो पहनते थे। ये देखने में गदा जैसा लगता है लेकिन बहुत तगड़ा ये वार करता है। ये डंडा था और ये पट्टा जिसे हाथ में पहना जाता है, और ये लचीली होती है, धारदार होती है, जैसे आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी में बाजीराव को देखा होगा यूज करते हुए। मेरे पीछे है प्याले में हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी। जय मेवा, जय कृष्ण।
देखिए कितनी पीली है ये, मैं धन्य हो गया आज इस मिट्टी को देख के। देखिए इस जगह पर कई VIP गेस्ट आ चुके हैं, यहाँ पर मौजूदा महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी मेवाड़ के, उनकी फोटो है, महाराणा प्रताप की जयंती की ये फोटोज है। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को अब हम यहीं पर एंड करते हैं और अब हम निकल रहे हैं मोटी मगरी से। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।